अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले चेहरे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। भाई साहब, माइक तो ऐसे लग रहा है जैसे सो के उठा हुआ है। इसके बाल चेक करें आप, बेचारा बूढ़ा हो गया है। चेक कर ही रहे होंगे आप। ओहो, उठ यार, उठ जा, तू पछड़ गई हूँ, अभी तक सुता है तू, उठ जा। वो बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और सुहाना हो चुका हुआ है। अभी सूरज निकल चुका हुआ है ये देखे सामने, और ठंडी हवा भी चल रही है और थोड़ी थोड़ी सी गर्माइश भी आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल माशाल्लाह मौसम बड़ा ही आउट क्लास हो चुका हुआ है। सर्दियां तो वैसे मेरी बड़ी फेवरेट है। सर्दियां आ रही हैं, दिसंबर का महीना भी आने वाला है, और दिसंबर का महीना आपको पता है, मालूम होना चाहिए कि सरदार महीना होता है सर्दी का। तो आज सुबह बारिश भी हो रही थी और आज मुझे छुट्टी भी थी, तो मैंने कहा कि ब्लॉग बना लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी है, जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मैं छत पर आया हूँ तो देखा है कि सूरज निकला हुआ है, थोड़े थोड़े से बादल भी हैं, हवा भी ठंडी चल रही है, आउट क्लास किस्म का मौसम हो चुका हुआ है। तो चलें फिर, इंशाल्लाह वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। जी यार, मैंने मुर्गियां सेल की हैं, आप देखें बिल्कुल ही इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। आज बारिश हुई थी तो कुछ इस तरह की सूरत हाल अंदर की हो चुकी हुई है। सफाई भी करने वाली है, काफी काफी गंद पड़ा हुआ है। तो मेरा जहन बन रहा है कि मैं एक छोटा सा बकरा छतरा लेके ना, ये जगह बड़ी परफेक्ट रहेगी, ये वाली सर्दियां भी है, इसको टोटली कवर करके इसमें एक जानवर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये घर का कुछ फर्नीचर है, ये देखें किस तरह बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है, और ये ऊपर ला के रखती है इन्होंने। इसको भी फारिग करते हैं इंशाल्लाह। घर के दरवाजे बनवाए थे, लकड़ी हमें कम पड़ गई थी, फिर ये वाली लकड़ी काफी देर से पड़ी हुई है, परचेज की थी मैंने, और तकरीबन कोई 12,000 रुपए की ये लकड़ी मैंने परचेज की थी, लेकिन कुछ सिस्टम नहीं चला तो मैंने फिर इसी तरह पेंडिंग रहने दी है। तो इंशाल्लाह अगले महीने इरादा बन रहा है कि इसको, इसकी कटाई करके इसको सेव कर लिया जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में ये सारी लकड़ी जिस तरह ये देखें सारी ख़राब हो रही है। ओ ये क्या कर दिया यार, ये बच्चों ने, ये देखें गमला मेरा इन्होंने तोड़ दिया है। ओह हो, ये इन्होंने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया मेरा। आजकल बड़े महंगे हो गए हैं, महंगाई इतनी है कि ये बेल भी देखें, ये बारिश की वजह से ना, हवा की वजह से बेल जो है नीचे गिरी हुई है। काफ़ी कोशिश की है मैंने बेल यहाँ पर उगाने की। एक बेल मैंने आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले की बात है, तो एक बेल लगाई थी घर में, जब तक तो हमारे घर नहीं बना, पुराना घर था तो वहाँ पे लगाई थी। तो माशाल्लाह वो बड़ी बेल जो है ना अच्छी बनी थी, लेकिन ये बस सो एंड सो जो है ना, मतलब इतनी ख़ास कोई लंबाई में नहीं आगे बढ़ी। ये वो सामने मेरा इरादा बन रहा है कि वहाँ पे एक टाइल की कटिंग करवा के यहाँ पे बेल लगाऊँ, और ये सारा एरिया जितना भी है ये सारा कवर हो जाएगा, ये वाला यहाँ तक एरिया। तो वैसे मैंने बड़ी मेहनत से बनवाया है, बड़ा प्यारा लगेगा। और एक और दोस्त है, उसने मशवरा दिया है कि इस एरिया को सारा कवर कर लिया जाए, क्योंकि बारिश की वजह से ना ये सामने दरवाजे जो ना वो ख़राब हो रहे हैं। ये क्या यार, ये लगता है कि रोटियां भिगो के पानी में, तो यहाँ पे रखी थी तो नीचे गिर गया है। तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, ये नीचे लेके जाते हैं। ये घर के सामने एक नया मकान बन रहा है, इन्होंने सारी अपनी पुरानी इमारत जो गिरा के इसमें मिट्टी डाल के थोड़ा सा अपनी जो मेन गली है उसे ऊंचा कर लिया है, और यहाँ पे खूबसूरत सा उन्होंने मकान बनाना है। तो फिलहाल यहाँ पे जगह खाली है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है माशाल्लाह। बादल बड़े ही आउट क्लास किस्म के फिर आने शुरू हो गए हैं, और ये जो सूरज है बादलों में छुप गया है, इसलिए छुपा कि इसे नज़र ना लगे। अच्छा यार, ये ना कुछ टाइलें बची हुई हैं, ये मतलब ये मैंने परचेज की थी जब सीढ़ियों का पत्थर लिया था, तो ये कुछ बच गई हैं, और ये उस मिस्त्री ने थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया था। मतलब वो जो सामने नीचे जो स्पेस बची हुई है, मतलब स्पेस आ रही है, उस साइडों में लगानी थी, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया। जब हमारा पुराना घर था तो ये छोटी सी पतली सी गली है, तो इस तरफ दरवाज़ा था, लेकिन जब अब दोबारा हमने मकान बनाया है तो हमने मेन दरवाज़ा इस लोकेशन पे ले आए हैं, और मेन गली में दरवाज़ा निकाल लिया है। अब मैं इस लोकेशन से दूसरी तरफ जाने लगा हूँ तो नीचे सीढ़ियों का एक पत्थर टूटा हुआ, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ओह
ओहो ये क्या कर दिया यार अमल ने, ये अमल के काम है मेरी बेटी के, उसने ये सीढ़ियों का पत्थर जो ये देखें तोड़ दिया है, तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अमल बहुत ज़्यादा शरारती है तो ये उसी के काम है सारे। इस गली की बात कर रहा था, ये काफ़ी बड़ी गली है और ये है छोटी इस तरफ, वो भी मैं आपको बाहर की तरफ जा के दिखाता हूँ कि छोटी गली में हमारा दरवाज़ा पहले किस तरफ था। ये हमारी मेन गली है, ये बड़ी गली है ये वाली, और ये सामने जो है छोटी गली है। पहले किसी टाइम पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा दरवाज़ा हुआ करता था। ये आपको आसार नज़र आ रहे हैं हमारे पुराने दरवाजे के, इस लोकेशन के ऊपर हमारा दरवाज़ा था जो अभी के वहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे मेरे दादाजी की एक छोटी सी दुकान थी जो कि अभी स्टोर रूम बन चुका हुआ है ऊपर की तरफ। मेरे घर की ये टोटल लोकेशन है बाहर वाले हिस्से की। कैसा लगा आपको ये नक्शा और पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम। वाह भाई, ये मेरा बेटा बट्टू है और ये मेरी बेटी अमल है। अमल आप बोलो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। पापा के चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप भी बोलो लाइक कर दो। चार कत्ता घोने लेके चप्पल भी है। चप्पल आपकी किधर की? आपने चप्पल तो पहनी नहीं है, चप्पल किधर की है आपकी? अमर। मिस्टर बट्टू क्या नाम है? अमर। क्या है? अमर। अमल। और भाई का क्या नाम है? भाई का नाम क्या है? बिचारे बट्टू। मिस्टर बिचारे बट्टू। मिस्टर बट्टू थैंक यू। अमल वो शेर खान आया था? शेर खान कहाँ गया था? वो मेरे बैग था। किधर गया था शेर खान? वो मेरे बैग गया था। फेंक दिया था? किधर गया? वो गुम हो गया, कोई ले गया। आपने स्कूल जाना है? हाँ जाऊंगी मैं। कब जाओगी? सुबह। सुबह जाओगी? मैं चेक कर लूंगी बैग। आप लोग क्या कर रहे हो? लैला पढ़ रहे हो? लैला पढ़ रहे हो? क्या हुआ? मिट्टी। मिट्टी है? आप मिट्टी खाते हो? नहीं। मिट्टी खाते हो ना आप? नहीं। खाते हो? नहीं। सॉरी करो, पीछे हटो। खाते नहीं हो आप? खाते हो? किधर है मिट्टी? किधर है? सॉरी करो बट्टू, सॉरी करो, सॉरी करो, सॉरी करो। अब मिट्टी खाओगे आप? पापा ने वाली कौन सी वाली? ये वाली मिट्टी? ये वाली मिट्टी है भाई। आपने खाई है? आपने खाई है? मैं तो खेलती हूँ मिट्टी से। आप खेलती हो? कहाँ खेलती हो? आपने वो ऊपर तोड़ दिया हुआ ना गमला, तोड़ दिया आपने? आपने तोड़ा है? मैं काका ने। काका ने तोड़ा है? काका ने तो नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा है? मैं काका ने। वो आपने सीढ़ियाँ भी आपने तोड़ी है ना? सीढ़ियाँ किसने तोड़ी थी? काका ने। नहीं मेरे सामने, आपने ऊपर से वो ईंट फेंकी थी ना आपने? बताओ फेंकी थी आपने ईंट? आपने तोड़ी थी ना? झूठ बोलते हो आप। अल्लाह ताला नाराज होते हैं झूठ बोलते हैं जो बच्चे, बुरी बात होती है। तो किस किधर है कीड़ा? किधर है? दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, हाथ में दिखाओ, किधर है कीड़ा? किधर है? ये किसने मारा है? अमल ने मारा है? अमल आपने मारा है या अबू बकर ने मारा है? किसने मारा है? मैंने मारा। किसने मारा है? मैंने मारा। आपने मारा है? बाबुआ आ गए, बट्टू के बाबुआ आ गए। बात सुनो, इधर आओ। कीड़ा किधर है? कीड़ा मैं। किसने मारा? किसने इसे तो बताओ तो। मैंने मारा था। आपने मारा क्यों? क्या ये कीड़ा? किसने मारा है? मैंने। आपने मारा है?
क्यों मार रहा है? काट रहा है? खुद ही मार के खुद ही रोना शुरू कर दिया, काट लिया मुझे कीड़े ने, काट लिया। किधर है कीड़ा? किधर है? किधर है? किधर है कीड़ा? वो उसने तो नहीं काटा। किधर? उसको नहीं पकड़ो, नहीं फिर काट लेगा वो आपको। नहीं मारते नहीं है, बुरी बात होती बेटा, अमल नहीं मारते नहीं है, अल्लाह ताला नाराज होंगे। उसको जाने दो, अपने घर में जाने दो। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।